सुप्रीम कोर्ट से सिख दंगे में दोषी सज्जन कुमार को राहत नहीं मिली है। जमानत याचिका पर सुनवाई जो है वो टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। 4 हफ्ते में मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट तलब की गई है। तो सज्जन कुमार को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती नजर नहीं आई। यहां सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है और 4 हफ्ते में मेडिकल सुप्रीम कोर्ट ने सिख दंगे में दोषी सज्जन कुमार की जो है मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट तलब की है।